कैसा हो गया ये, तो बहुत दिक्कत होती है इसको पैक करने में। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत और अभी है आज 22 मई और दोपहर के बज रहे हैं 3। तो अभी मैं 1 बजे सो के उठा हूँ, बस सो के ही उठा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना जो स्लीपिंग बैग है उसको छत पे धूप में डालने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लास्ट ट्रिप करके आया था उसके बाद से मैंने इसको धूप नहीं दिखाई है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, स्लीपिंग बैग हो गई आपके और टेंट वगैरह हो गए, इन सबको थोड़ा धूप में रख देना चाहिए ताकि इसका जो मॉइस्चर वगैरह है वो सब उड़ जाए, कुछ स्मेल वगैरह आ रही है तो वो भी सब उड़ जाए। तो इसलिए अभी मैं अपना जो स्लीपिंग बैग है उसको धूप में डालने जा रहा हूँ और मैं अपना टेंट भी पैक करने वाला हूँ, क्योंकि जो उस दिन हमने अपना ये बाल काटे थे और टेंट में काटे थे, टेंट को साफ़ किया, उसके बाद मैंने टेंट को पैक नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है तब से, 1 हफ्ता हो गया उस चीज़ को। तो अभी इसको भी पैक करते हैं और चलते, पहले इसको धूप में रख के आते हैं स्लीपिंग बैग। दोनों स्लीपिंग बैग मैंने रख दिए हैं यहाँ पे धूप में, आई होप शाम तक ठीक हो जाएगी, शाम तक के अभी 1-2 घंटे में ठीक हो जाएंगे, इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर, करीब 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, गर्मी हो रही है अच्छी वाली, तो गर्मी तो है ही लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है जिस तरह की होती थी दिल्ली में पहले। शायद इस बार कम एसी चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं लेकिन उतने नहीं चल रहे हैं, मैं भी बहुत कम चला रहा हूँ, तो लोग थोड़ा डरे हुए हैं कि एसी चलेगा तो खांसी वांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो कहीं कोरोना ना हो जाए, तो इसलिए वैसे कोरोना एसी चलने से नहीं होता है, लेकिन अगर आप कहीं सेंट्रल एसी में बैठ रहे हो तो वहाँ थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन ऐसे एसी से कोरोना नहीं होता है। तो अभी चलते हैं नीचे, शाम को उठाएंगे इसको। तो अभी हमारे पासपोर्ट की हालत देखो क्या हो रही है, इसमें कुछ कांड हो गए हैं, रखे रखे मॉइस्चर सा आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया, तो अब ये चेक कराना पड़ेगा ठीक है नहीं। अगर आपको पता है इसके बारे में कि अगर ये पासपोर्ट चलेगा या नहीं चलेगा आप मुझे बताओ, ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, यहाँ पर भी और पीछे भी हो रहा है, पीछे मतलब जहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, स्टैम्प लगी होती है, सिर्फ वहीं पे है प्रॉब्लम, बाकी जहाँ पे मेरा नाम लिखा होता है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी होती हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये सही होगा, अगर सही नहीं है तो चेक कराना पड़ेगा किसी से, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ कि पासपोर्ट की कंडीशन सही है या फिर मुझे इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, कि आप सोचो कि मैं स्लीपिंग बैग सुखा रहा हूँ, पासपोर्ट चेक कर रहा हूँ तो मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी यहीं पर हूँ, इंडिया में घूमूंगा, अगर घूमूंगा अभी तो जब भी घूमूंगा, तो यही है कहानी पासपोर्ट की और कुछ नहीं है। तो अभी जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद मुझे लगता है जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी, बॉर्डर्स खुलेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो ट्रैवलिंग है वापस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग जो है प्रेफर करेंगे कैंपिंग करना, और कैंपिंग का जो फ्यूचर है मुझे ब्राइट सा लग रहा है इस समय, क्योंकि होटल्स जो है उनकी साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा से ही, और अपना इतना बजट नहीं होता है भाई कि हम 5-स्टार होटल में रुके, क्योंकि 5-स्टार होटल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सफाई की सब कुछ अच्छे से होता है वहाँ पर, क्योंकि वो उतना चार्ज करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल होटल्स होते हैं, जिन 800-1000 रुपये वाले होटल्स होते हैं, उसमें इतनी सफाई नहीं होती है। हाँ, देखने में साफ़ सुथरा लग सकता है, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो देखने वाली सफाई से साफ़ नहीं होगा, उसको पूरा डीपली आपको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा पूरा रूम को, अगर कोई भी गेस्ट रुक के जाता है तो। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, तो जो छोटे होटल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करेंगे उन होटल्स में रहना, लेकिन जो छोटे होटल्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप ये भूल जाओ कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो आपको होटल्स चीप मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अब इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ गई है, और जो होटल्स हैं वो चीप नहीं मिलेंगे, क्योंकि होटल ओनर्स का काम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको हर रूम को सैनिटाइज़ करना पड़ेगा हर गेस्ट के जाने के बाद। तो ये सब चीज़ें अब बदलने वाली है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पूरी बदलने वाली है, और मुझे लगता है कि कैंपिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, लोग अपनी कार्स लेके जाएंगे, बाइक्स लेके जाएंगे और कैंप करेंगे, खाना बनाएंगे, खुद खाएंगे, वहीं सोएंगे और वापस आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैंपिंग एक बेटर ऑप्शन है ट्रैवलिंग के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी कोरोना वायरस तो ख़त्म हो नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंपिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, और जो भी होटल्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो चाहें तो अपने
अपने जो एरिया उसको है कैंपिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि उनके पास खाली जगह है तो लोगों को कैंप करने के लिए जगह दे दें, तो जिससे कि वो अपना टेंट लगा सकें और अपना खाना वाना भी बना सकें, जिसके लिए वो कुछ चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फ्री में सब कुछ करना है, तो उनका भी काम चलता रहेगा। और जो कैंप करना चाहते हैं, जिनको सेफ्टी की इशू रहता है, वो भी अपना ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली यही सब मैं बताना चाह रहा था कि जो आने वाले टाइम में है, रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, रोड ट्रिप्स प्लस कैंपिंग, तो बहुत सारे लोग जो हैं यही प्रेफर करने वाले हैं आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग के लिए। वो प्रेफर करेंगे रोड ट्रिप, वो भी अपनी कार से और बाइक से। बाइक से तो बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब मेरे जैसे राइडर्स जो होते हैं वही बाइक से जाते हैं, बाकी मोस्टली लोग प्रेफर करेंगे कार, खुद की कार या फिर कोई ऐसे बंदे नॉन बंदे की कार जिसको वो जानते हैं पहले से, या फिर कार जो हायर करके कार ले जाते हैं वो, जिसको वो खुद से सैनिटाइज कर सकते हैं। तो यही सब होने वाला है आने वाले टाइम में। ट्रेन्स और फ्लाइट्स को लोग अवॉइड करेंगे, अगर वैक्सीन नहीं आ जाती मुझे नहीं लगता लोग फॉरेन ट्रैवल प्रेफर करेंगे। फॉरेन ट्रैवल जो है बहुत रिस्की होता है, ऊपर से वहाँ पे जाके फंस जाओ तो और दिक्कत, वापस आने की दिक्कत, फंस जाओ तो कुछ पता नहीं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो बहुत सारे लोग फंस गए जैसे इस बार, तो इसलिए लोग अवॉइड करेंगे फॉरेन ट्रैवल। तो इंडिया में ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है आने वाले टाइम में, वो भी रोड ट्रिप्स, तो रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स होंगी। तो अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन जो है ऑलमोस्ट खुल चुका है, सब कुछ रोड पे नॉर्मल है, ट्रैफिक भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो बढ़ेंगे, उसका कोई और ऑप्शन है नहीं, तो वो बढ़ेंगे ही। तो आपको बस अपना खुद का ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखो। तो स्लीपिंग बैग आ चुका है, ऊपर से मैं ले आया हूँ स्लीपिंग बैग, और इसका जो ये वाला जो स्लीपिंग बैग है छोटे वाला, ये इसके अंदर पूरा फिट हो जाता है और इसको डालने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत जल्दी डल जाता है, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगती। बस इसको बस ऐसे डाल के ऐसे बस ज़बरदस्ती इसके अंदर फिट कर देना है, और ये आराम से हो जाता है, पूरा लाइफ हो जाएगा आराम से। लेकिन जो दूसरे वाला जो मेरा स्लीपिंग बैग है भाई साहब, उसको पैक करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर हवा बढ़ती रहती है और वो बहुत देर लगती है उसमें। ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है, 10 सेकंड भी लगे इसको। छोटे का फायदा देखो कितनी जल्दी हो गया पैक, लेकिन ये वाला जो है इसको पैक करने में लगता है टाइम, कम से कम नहीं तो 5-7 मिनट तो लग जाते हैं। तो ये दूसरे वाला ये देखो है कितना बड़ा, ये 6 फुट का बेड है, ये 7 फुट का है, 7 फुट का वो भी है, लेकिन ये जो है ना बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये, मतलब -5 -10 15 डिग्री तक। -5 में मैंने इसको टेस्ट भी किया हुआ है, तो ये -5 में तो बढ़िया चलता है एकदम। तो अभी इसको पैक करने में देखो, इसके अंदर इसको डालना बड़ा भारी काम है, ये वैसे बड़ा बैग है लेकिन फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको उसके अंदर फिक्स करना। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे हवा भर रही है, ये हवा भर रही है सारी, हवा भर जाती है इसके अंदर, और इसको फिर जितनी देर में मैं इसको रोल करूंगा इसके अंदर डालने के लिए, उतनी देर में इसमें दोबारा से हवा भर जाएगी। तो इसमें फिर से हवा भरने लगी है, देखो फूल रहा है, तो बहुत ही ध्यान से ये देखो कैसा हो गया ये, तो बहुत दिक्कत होती है इसको पैक करने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में आगे ट्रैवलिंग का फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या रोड ट्रिप्स और कैंपिंग ट्रिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी इंडिया में, क्या लगता है आपको कैसा रहेगा आगे का ज़माना कोरोना के बाद, कोरोना के बाद नहीं लॉकडाउन के बाद, क्योंकि कोरोना तो अभी जाने वाला है नहीं, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक तो हमें इसी तरह से जीना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अगर लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय।